हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल में भी शुरू हो चुका है अग्निवीर भर्ती का सिलसिला। आपको बता दें तो हिमाचल की जो पहली अग्निवीर की भर्ती है वह कल यानी 29 अगस्त से शुरू होने वाली है, जिसमें कि हमीरपुर, ऊना एंड बिलासपुर के जो युवा है वो भाग लेंगे। ठीक है तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा ये जो भर्ती चलेगी वे सुजानपुर मैदान हमीरपुर में चलेगी। ठीक है, तो दोस्तों, जिनकी भी भर्ती कल है यानी 29 अगस्त को है, वो आज जो वो इस ग्राउंड के आसपास जो वो ठहरे होंगे। ठीक है, आसपास के दोस्तों इन्होंने जो वो रूम लिए होंगे, तो यानी आज जो वो आ चुके होंगे। ठीक है, तो आज रात से इनकी लाइनें लगना जो वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सुबह दोस्तों 4 बजे एंट्री होगी, और उसके बाद दोस्तों आपकी जो मतलब भर्ती होगी, पहला बैच दौड़ेगा लगभग 6 बजे के आसपास में। पहला बैच आपका जो वो दौड़ शुरू हो जाएगी पहले बैच की। ठीक है, और दोस्तों जो भर्ती स्थान पर आपको ले जाना होगी डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड तो आपको जरूर लेके जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आपने दोस्तों 12th की भी ले जानी है। ठीक है, एंड उसके बाद डोमिसाइल जो है आपका हिमाचली सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको लेके जाना है। इसके अलावा दोस्तों और भी सर्टिफिकेट हैं जो कि आपने लेके जाने हैं, जो कि आपको जो वो ग्राउंड के बाद जो वो काम आएंगे। ठीक है, जब आपका ग्राउंड हो जाएगा उसके बाद जो वो जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है ग्राउंड होने के बाद में, ठीक है, तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो वो काम आते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो वो आप सभी के पास जो वो होने चाहिए। ठीक है, तो बात करें दोस्तों टाइमिंग की, तो टाइमिंग क्या दी जाएगी, तो उसके बारे में दोस्तों अभी कहना जो वो मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि जो अभी हाल ही में भर्तियां चली हुई थी। ठीक है, एंड आपको बता दें तो लुधियाना में भर्ती हुई है, हिसार में भर्ती हुई है, और जस्ट दोस्तों कोटद्वार में भर्ती चली हुई है, फतेहगढ़ यूपी में भी भर्ती चल रही है। ठीक है, और दोस्तों कई जगह पर टाइम आपको बता दें कि पूरा पूरा दिया जा रहा है, तो कई जगह पर टाइमिंग जो वो बहुत ही कम दी जा रही है, 5:15, 5:20, 5:10। ठीक है, 5:15, 18 पे भी ग्रुप जो वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब हिमाचल की जो भर्ती कल शुरू हो रही है हमीरपुर में, उसके बारे में दोस्तों कल ही पता चलेगा कि क्या टाइमिंग दी जाती है, कितने बच्चों का बैच बनता है और कितने बच्चे जो वो उठाए जाते हैं रनिंग में, ग्राउंड में। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को जो वो पल पल की इन्फॉर्मेशन जानकारी जो वो कल देखने को मिल जाएगी, कल दी जाएगी। ठीक है, कि कितने बच्चों का बैच बना, ठीक है, और कितनों ने दौड़ पास की, और दोस्तों सब कुछ जानकारी जो वो आपको जो वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो अगर आप जो वो चैनल पर नए हो तो चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी दोस्तों हर एक छोटी बड़ी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो वो सबसे पहले पहुँचता रहे। तो दोस्तों बाकी बात करें कि जिनकी भर्ती कल है, परसों है, 1-2 दिनों में है, ठीक है, तो उनको जो वो ज़्यादा टेंशन वेंशन बिल्कुल ना लेनी है, अपने आप को फ्री माइंड में रखना है। ठीक है, और अपनी भर्ती में अपने आप का जो वो आपको 100% देना है। ठीक है, आपको दोस्तों भर्ती के वक्त ऐसा ना लगे कि जैसे मैं प्रैक्टिस करता था वैसे मुंह से नहीं दौड़ा गया, तो दोस्तों ऐसा नहीं, जैसे आपकी प्रैक्टिस है वैसे आपको जो वो भर्ती में दौड़ना है। तो ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं वो रहते हैं मतलब प्रैक्टिस, तो दोस्तों आप सभी सही करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आप सभी सही करते हैं, आपका टाइमिंग 5:05, 5:10 प्रैक्टिस टाइम में आ जाता है। ठीक है, लेकिन भर्ती में आप जब वो रह जाते हो, आपको बता दें कि जैसे आपकी तैयारी होती है प्रैक्टिस टाइम, वैसे आप जब वो ग्राउंड में नहीं दौड़ पाते। तो आपको जब वो अंत में यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जब वो आप जब वो अपने आपको जब वो जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही दौड़ें। ठीक है, जो दोस्तों सबसे आगे भागते हैं पहले चक्कर में, सबसे आगे भागते हैं दोस्तों, तो वे वही बंदे होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती, और उनको क्या करना होता है, उनको एक ही राउंड मारना होता है फिर बैठ जाना होता है। तो दोस्तों उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से दौड़ना है, जैसे आपकी प्रैक्टिस है वैसे आपको जो ग्राउंड में देना है 100%। बाकी दोस्तों कल ही पता चलेगा कि क्या कुछ माहौल रहता है हिमाचल में। ठीक है, हमीरपुर में कैसे क्या कैसी भर्ती करवाई जाती है, कितना टाइम देते हैं, तो उसके बारे में दोस्तों जानकारी जो वो कल ही दी जाएगी। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।